Next is Laguerre function या Laguerre polynomial. So Laguerre differential equation is given by as x d2y over dx square plus 1 minus x dy by dx plus ny equal to 0. And solution of this differential equation we have already studied about this, that is given as a naught summation r 0 to infinity minus 1 to the power r and r n factorial over r factorial square n minus r factorial and x to the power r. Right, now this is the solution of this Laguerre differential equation. If we taking a naught is 1 here, then y becomes Laguerre polynomial ln x. Right, at the value of a naught is 1, y becomes the Laguerre polynomial or Laguerre function, that is given as r 0 to infinity minus 1 to the power r n factorial over r factorial whole square n minus r factorial x to the power r. This is our Laguerre polynomial. Okay, so yeah, say agar aap, we have to find out l naught x, that is 1 here, l 1 x is, dekho, we have to find out l 1 x, so in place of n we taking n is 1 or r ki jo value hongi that are 0 and 1 here, right? So it becomes 1 minus x. L to x banega hamara, L to x banega x square minus 4x plus 2, right? Isi tarah se agar we want to find out L 3x, we taking n is 3 and r is taken as 0, 1, 2, 3. Okay, so we calculate every polynomial regarding this Laguerre function. And next is generating function for Laguerre function या Laguerre polynomial, या फिर ये कहें prove that ln x is the coefficient of t to the power n in the expansion of this. This is the generating function of Laguerre polynomial. ठीक है, इसका जो expansion बनेगा उसमें t to the power n के coefficient को हम अलग कर लें with sign, that coefficient is our ln x. राइट, टी के पावर 1 के कोफिशिएंट को हम अलग करेंगे दैट इज l1x, टी के पावर 2 के कोफिशिएंट को अलग करेंगे दैट इज l2x, टी के पावर n के कोफिशिएंट को वी हैव टू सेपरेट दैट इज lnx. राइट, वी हैव टू प्रूव इट, या फिर ऐसा आए कि आप डिफाइन करें जनरेटिंग फंक्शन फॉर Laguerre पॉलीनोमियल तो आपको सेम आर्टिकल करना है. सो वी हैव टू, इसका जो एक्सपेंशन है सीरीज एक्सपेंशन में उसमें से टी टू द पावर n के कोफिशियंट को हमें सेपरेट करना है. प्रूफ होगा इसका, लेट प्रूफ इज हियर, e टू द पावर माइनस एक्स टी ओवर 1 माइनस टी ओवर 1 माइनस टी, ये है हमारा फंक्शन. इसके एक्सपेंशन में हमें t टू द पावर n के कोफिशियंट को अलग करना है. इसको हम लिखेंगे 1 माइनस टी, देखो e की पावर x होता है आपका 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. इसको हम लिखते हैं n 0 to infinity x to the power n and n factorial. राइट, तो e की पावर इसको समझो एज ए, e की पावर m समझो या कोई भी टर्म समझो, इसको एक सिंगल टर्म समझो, उसको क्या लिखा जाएगा, जो पावर में है उसकी पावर n माइनस एक्स टी ओवर 1 माइनस टी की पावर n बाई n फैक्टोरियल. राइट, और समेशन n 0 to infinity हेयर, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है. When we have to open this, देखो ये है अपना e की पावर माइनस एक्स टी ओवर 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, इसको लिखा है हमने 1 बाई टी 1 ओवर 1 माइनस टी बाहर n 0 टू इन्फिनिटी, इसको लिखा है माइनस एक्स टी ओवर 1 बाई टी की पावर n ओवर n फैक्टोरियल. जब हम सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 की पावर n. ओके, नहीं हमें लिमिट लेनी है 0 टू r, दैट इज वेर इज फ्रॉम r 0 टू इन्फिनिटी, और इट बिकम्स t की पावर ये जो फंक्शन है इसकी पावर r ओवर r फैक्टोरियल. राइट, तो अब ये बनेगा अपना माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर r t टू द पावर r ओवर 1 माइनस टी टू द पावर आर एंड आर फैक्टोरियल इज हियर. राइट, देखो
हमने इस पावर को लिया जो इसका एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन है उसकी पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल, इसकी जो पावर है उसकी पावर आर और आर फैक्टोरियल, इट बिकम्स माइनस वन की पावर आर, अरे को सेपरेट किया, एक्स टू द पावर आर टी टू द पावर आर आर फैक्टोरियल वन माइनस टी टू द पावर आर, एंड ये है वन माइनस टी टू द पावर वन, ये है वन माइनस टी टू द पावर आर, कंबाइन बन जाएगा आपका आर इज वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर एक्स टू द पावर आर टी टू द पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल वन माइनस टी टू द पावर आर प्लस वन, आर पावर ये एक पावर ये, इट बिकम्स आर प्लस वन, लेट से इट इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके नाउ देखो हमें चाहिए टी की पावर एन के कोफिशियंट, राइट। अब हमें देखो इस डिनोमिनेटर में देर इज पावर ऑफ टी, तो हम चाहेंगे कि ये सारी टी की जो टर्म्स हैं वो एक साथ आ जाए, तो हम इसको सोल्व करेंगे एक्सपोनेंशियली, बाइनोमियली हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये है वन माइनस टी टू द पावर आर प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस टी टू द पावर माइनस आर प्लस वन, पावर को ऊपर लेके गए, ठीक है। इसका जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे वो बनेगा आपका वन प्लस एन एक्स होता है ना, तो एन ये पावर आगे आर प्लस वन इंटू टी बाई वन फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन प्लस वन होता है आर प्लस वन आर प्लस टू बाई टू फैक्टोरियल टी स्क्वेयर एंड सो ऑन। इसको हम लिखेंगे समेशन के फॉरम में आर जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, एस जीरो टू इन्फिनिटी और आर प्लस एस फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल एंड टी टू द पावर एस, लेट से इट इज इक्वेशन सेकंड। देखो ये जो समेशन है इनफाइनाइट सीरीज है, हमने एक वेरिएबल एस डिफाइन किया, जब आपका एस जीरो होगा तो ये टर्म आएगी, आपका एस वन होगा तो ये टर्म आएगी, ठीक है। जब एस जीरो है आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट, टी टू द पावर जीरो इज वन, ठीक है। जब आपका एस वन है वी गेट आर प्लस एस वन है आर प्लस वन ओवर आर फैक्टोरियल एंड एस इज वन फैक्टोरियल टी टू द पावर वन, राइट। सो इसको हम इस मिशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो हमने वन ओवर वन माइनस टी टू द पावर आर प्लस वन को ये लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा आपका, हम सोल्व कर रहे थे ई टू द पावर माइनस एक्स टी वन माइनस टी ओवर वन माइनस टी को, ये जो आया हमारा समेशन आर जीरो से इन्फिनिटी है, ठीक है, ऑलरेडी है माइनस वन टू द पावर आर एक्स टू द पावर आर टी टू द पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल ऑलरेडी है, वन ओवर वन माइनस टी टू द पावर आर प्लस वन को हम ये लिख सकते हैं, तो इट बिकम्स समेशन एस जीरो टू इन्फिनिटी आर प्लस एस फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी टू द पावर एस, लेट से इट इज इक्वेशन थर्ड। ओके नाउ वी हैव टू कंबाइन इट, ये बनेगा आपका आर जीरो से इन्फिनिटी एंड एस जीरो से इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर, देखो ये है आपका आर प्लस एस फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल का स्क्वेयर, राइट, इंटू एस फैक्टोरियल और टी टू द पावर, देखो एक्स टू द पावर आर और टी टू द पावर एस, यहाँ पे आर यहाँ पे आर प्लस एस, लेट से इट इज इक्वेशन थर्ड। ओके नाउ वी हैव टू सोल्व दिस, सो वी गेट दिस टर्म एज, इसका जो एक्सपेंशन है हमने इसको यहाँ तक लिखा है, यहाँ से देखो आर प्लस एस को वी हैव टू पुट एन, तो यहाँ से एस हो जाएगा एन माइनस आर, ठीक है। अब हर टर्म ये लिखेंगे ई की पावर एक्स टी ओवर वन माइनस टी ओवर वन माइनस टी इक्वल टू समेशन आर जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन टू द पावर आर है, ठीक है, और इस ये हो जाएगा एन आर टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर, देखो आर प्लस एस को एन लिखा है एन फैक्टोरियल
आर फैक्टोरियल का स्क्वेयर एज इट इज, एस को लिखेंगे हम एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड एक्स टू द पावर आर और टी टू द पावर एन. हमें चाहिए था टी के पावर एन का कोफिशियंट, वी गेट दिस. ओके, लेट्स सी इट इज इक्वेशन फोर. ठीक है, नाउ वी हैव वांट टू फाइंड अ लिमिट. वी वांट टू अ लिमिट ऑन दिस मिशन. देखो जब एन जीरो है तब आर होगा आपका जीरो, एन वन है तब आर होगा आपका जीरो एंड वन, जब एन टू है तो आर होगा जीरो वन एंड टू. ठीक है, एन थ्री है तो आर होगा आपका जीरो वन टू एंड थ्री. सो जो ये जो इक्वेशन है इट बिकम्स एज e टू द पावर माइनस एक्स टी ओवर वन माइनस टी ओवर वन माइनस टी बनेगा आपका एस्टिमेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी और एस्टिमेशन आर जीरो टू एन. देखो इन लिमिट से क्या पता चलता है, आर की वैल्यू एन से एक्सीड नहीं करती. ठीक है, तो आर जीरो टू एन जितना जो आपका एन होगा आर की वैल्यू सिर्फ वहीं तक चेंज होगी. एंड ये जो टर्म है एज इट इज माइनस वन टू द पावर आर एन फैक्टोरियल आर माइनस वन टू द पावर आर फैक्टोरियल का स्क्वेयर एन माइनस आर टू द आर फैक्टोरियल. यहाँ से भी पता चलता है कि आर एन से एक्सीड नहीं करेगा क्योंकि आपका जो फैक्टोरियल टर्म है वो नेगेटिव के लिए नहीं है. एक्स टू द पावर आर एंड दिस इज द कोफिशियंट ऑफ टी टू द पावर एन एंड इट इज एल एन एक्स टी टू द पावर एन. देखो ये मैच करता है हमारे एल एन एक्स से. ठीक है, सो यहाँ से जो एल एन एक्स बना दैट इज समेशन आर जीरो टू एन माइनस वन टू द पावर आर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल स्क्वेयर एन माइनस आर फैक्टोरियल एक्स टू द पावर आर. ठीक है, सो लेट्स से इट इज इक्वेशन फाइव एंड द इक्वेशन फाइव शोज इन द एक्सपेंशन ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन. जनरेटिंग फंक्शन है ये है जनरेटिंग फंक्शन के एक्सपेंशन में एल एन एक्स आपका टी टू द पावर एन का कोफिशियंट है. राइट, दिस इज आवर जनरेटिंग फंक्शन.